दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हम टेली सॉफ्टवेयर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम मैनुअल रूप से किस तरीके से डाल सकते हैं। दोस्तों वैसे तो टेली सॉफ्टवेयर या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग अलग मेथड के अनुसार ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। जैसे कि हम यहाँ पर अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रख सकते हैं। हम फिफो पद्धति भी हम यूज़ कर सकते हैं, लिफो भी कर सकते हैं, लास्ट परचेज कॉस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर मेथड दिए होते हैं हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। लेकिन अगर हम चाहें भी जो स्टॉक की वैल्यू हम रखना चाहें वो स्टॉक की वैल्यू यानी कि मैनुअल रूप से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग किस तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने दो अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बनाए हुए हैं और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये अभी जो हमारे पास बुक्स में मिस शो हो रहा है उसका ट्रेडिंग अकाउंट है। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर अभी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है टेली सॉफ्टवेयर में ये ऑटोमेटिक आ रही है। इसकी वैल्यू है 28,204 रुपये और 46 पैसे। अगर हम इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को चेंज करना चाहें और इसका जो क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू है हम अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग हम टोटल वैल्यू अगर राउंड फिगर के साथ 28,800 रुपये रखना चाहें, यानी कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो एस्टिमेट के साथ रखते हैं, या फिर अगर आपको कहीं पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर तैयार करनी हो, अपना प्रोजेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना हो, तब हम भी मैनुअल क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर डालते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे जगह इस तरीके का जो मैनुअली क्लोजिंग स्टॉक होता है वो यूज होता है। कई बार हमें बैंक में कोई ट्रेडिंग अकाउंट हमें देना होता है तो उसके लिए हम एक एस्टिमेटेड है जो क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं मंथ एंड पे या 6 मंथ एंड पे। तो या फिर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपरली जो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की जाती वहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एक एस्टिमेटेड लिया जाता है बिजनेस के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो स्टॉक की वैल्यू थोड़ा बढ़ा के दिखा जाती है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थोड़ा कम कर दी जाती है। तो इसलिए हमें मैनुअल क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी पड़ती है टेली सॉफ्टवेयर में। तो किस तरीके से करेंगे ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप अकाउंट्स को टेली को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिक जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है उसको हम एक बार वेरीफाई करेंगे। दोस्तों अभी आप हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएंगे, एल्ट F1 के साथ डिटेल हम करेंगे तो ये सारा जो डिटेल के साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसमें अभी जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आ रही है वो 28,204 रुपये और 46 पैसे आ रहा है। और यही समरी अगर हम स्टॉक समरी के साथ जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी जो टोटल वैल्यू है वो सारी आप देख रहे हो 28,204 रुपये और 46 पैसा आ रही है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक अभी जो ये क्लोजिंग स्टॉक हमें दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ रहा है इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि कितना हमने परचेज किया है, कितना सेल हुआ है और कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, और उसी स्टॉक की जो वैल्यू है हम अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब हमें जो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक जो स्टॉक आ रहा है इस स्टॉक को हम यहाँ से हटाना है और हम हमारे अकॉर्डिंग जितना स्टॉक हम रखना चाहें ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी जो बाय डिफॉल्ट जो स्टॉक आ रहा है टेली सॉफ्टवेयर में GST 12% का स्टॉक है जो टेली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 6,785 रुपये और 72 पैसे का उठा रहा है, जबकि हम इसकी जो स्टॉक की वैल्यू वो पूरी नेट 7,000 रुपये रखनी है। तो किस तरीके से रखेंगे ये हम टेली सॉफ्टवेयर में सीखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ फीचर्स को डिसेबल करना होता है और कुछ लेजर हमें यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो ऑप्शन है डिसेबल करना है वो कौन सा होगा, हम इसी ट्रेडिंग अकाउंट में रहते हुए यहाँ से प्रेस करेंगे F11 यानी कि F11, और जैसे ही हम F11 प्रेस करेंगे तो आपको इस इन्वेंट्री ऑप्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटरग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो इस ये जो ऑप्शन आपको यस दिख रहा है इस ऑप्शन को हम करेंगे यहाँ से नो। तो इसको जैसे हम नो करेंगे और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को एक्सेप्ट करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ से इस ट्रेडिंग अकाउंट में से क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू गायब हो चुकी है और यहाँ पर आपको केवल परचेज वैल्यू, यहाँ पर आपको केवल परचेज और यहाँ पर केवल सेल ही दिख रही है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से हट गया, इसी की वजह से यहाँ पे ये ग्रॉस लॉस शो कर रहा है। दोस्तों अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैनुअली तरफ से लिखनी होगी तो इसके लिए हमें कुछ लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ही अकॉर्डिंग। तो दोस्तों लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे,
लेजर पर जाएंगे, और अब हमें लेजर जो क्रिएट करना है वो हमें हमारे इस क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसे हमें हमारे पास कंप्यूटर जीएसटी 12% का स्टॉक, 18% का, 28% का और जीएसटी 5% का स्टॉक के लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी आपको जो यहाँ पर ये देख रहे थे पहले टेली सॉफ्टवेयर में या फिर इस ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हमने जो स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करी थी उनका ग्रुप बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक है जो शो हो रहा है, और हम इन्हीं के नाम से हम यहाँ से लेजर भी क्रिएट कर लेंगे। तो हम टेली सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर जीएसटी 12% स्टॉक के नाम से हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया है, और इसका जो अंडर हम रखेंगे वो रखेंगे स्टॉक इन हैंड का, और इसको हम करेंगे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट। इसी तरीके से 18% का भी लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, इसका भी ग्रुप अंडर वो स्टॉक इन हैंड रखेंगे, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से 28% का, और इसका भी स्टॉक इन हैंड में रखेंगे, और इस तरीके से हम जीएसटी 5% का भी और स्टॉक इन हैंड में रखेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये चार अलग अलग लेजर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इन सभी की वैल्यू है जो हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट करके रखी हुई है। भी 12% का जो स्टॉक है वो हमें 7000 रुपये दिखाना है, कंप्यूटर जीएसटी 18% का स्टॉक है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो आ रहा था टेली में ऑटोमेटिक वो 11016 रुपये और 94 पैसे का आ रहा है, जबकि ऐसे हमें पूरा राउंड फिगर के साथ 11000 रुपये रखना है। इसी तरीके से 28% का जो स्टॉक है वो 4683 रुपये और 50 पैसे का है, और हम इसे 5000 रुपये का रखेंगे, और इसको 5714 रुपये की बजाय हम इसको पूरा 5800 रुपये करेंगे। यानी कि जैसे हम इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास जो मैनुअली रूप से जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो 28800 रुपये का आएगा, और जो वाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है टेली सॉफ्टवेयर की तरफ से वो 28204 रुपये और 46 पैसे का आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस वो हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो लेज़र अभी हमने क्रिएट किए उनको अब हम करेंगे अल्टर। अल्टर करने के लिए हम जाएंगे गेटवे टेली पे अल्टर के ऑप्शन पर, और लेजर पे जाएंगे और हम उन लेजर को ही सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर जीएसटी 12% स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक जीएसटी 12% को। जैसे हम 12% को स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस। अब हमें यहाँ पे ओपनिंग कुछ भी नहीं लेना जबकि क्लोजिंग बैलेंस देना है, तो ओपनिंग को हम रखेंगे यहाँ पे 0 और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पर हम डेट क्लोजिंग की जो वैल्यू है आप मंथ एंड पे सिक्स सेगमेंट पे जिस हिसाब से आप अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे हो वो उस मंथ एंड की डेट आपको देनी पड़ेगी, या आप मंथ के बीच में बनाना चाहते हो तो वो डेट आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ईयर एंड पे यानी कि 31 दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो एक बार टाइप कर रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर जो डेट दिया वो 31 मार्च 2021 की दी है, और अब मेरे को यहाँ पे उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालनी पड़ेगी यानी कि 7000 रुपये। एंटर प्रेस करूंगा और इसको वाउचर को इसको विंडो को करूंगा सेव। इसी तरीके से 18% का जो स्टॉक है क्लोजिंग बैलेंस 31/3/2021 करूंगा, और इसकी जो वैल्यू रखनी है वो 11000 रुपये रखनी है, और इस वाउचर विंडो को भी करूंगा हम सेव। इसी तरीके से हम 28% का जो स्टॉक हमें रखना है 31/3/2021 को, और उसकी जो वैल्यू रखनी है हमें 5000 रुपये रखनी है, और एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरीके से जो लास्ट में बच गया हमारे पास 5% का स्टॉक 31/3/2021 का, और इसकी जो वैल्यू रखनी है वो 5800 रुपये, और इस विंडो को भी करेंगे सेव। तो इस तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक हमने रखना चाह उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी है। अब इसका इफेक्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट पर देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया, लेकिन उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अभी तक हमारे सामने शो नहीं कर रही है। अब न करने का रीज़न, क्योंकि जो हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो डाली थी वो 31 मार्च 2021 को डाली थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो इसकी जो डेट आ रही है वो 2 फरवरी 2020 की आ रही है। तो हम इसको यहाँ पर डेट देंगे 31/3/2020 और एंटर प्रेस करेंगे 31/3/2021 करेंगे, और जैसे हम 31/3/2021 करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आप देख रहे हो आ जाएगी 28800, जो अभी हमने मैन्युअली क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट किया था उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 28800 रुपये का हो गया है, और ये हमने एक्सेल के अकॉर्डिंग तैयार करके रखा हुआ था। तो जो पहले हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा था वो ग्रॉस प्रॉफिट 2113 रुपये और 75 पैसे का आ रहा है, और अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज कर दी तो हिसाब से इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ के 2709 रुपये और 29 पैसा आ गया है। तो
तो दोस्तों इस तरीके से हम इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जो मैनुअल रूप से टाइप कर सकते हैं। अगर हम वापस वही क्लोजिंग स्टॉक देखना चाहें तो इसके लिए वापस हमें F11 पर जाना होगा, और F11 पर जाने के बाद में जो हमने इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑप्शन जो इसको नो किया था, इसको हम वापस यहाँ से करेंगे यस। और जैसे हम इसको यस करेंगे तो जो हमने मैनुअली रूप से जो क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट किया था वो हटके ऑटोमेटिक जो बाई डिफॉल्ट टेली सॉफ्टवेयर की तरफ से आएगा वो आपको शो करना शुरू कर देगा। अगर इसी फीचर को वापस अगर आप क्लोज करोगे, यानी कि हम इसको डिसेबल करेंगे, नो करेंगे, तो जो आपने बाई डिफॉल्ट मैनुअल रूप से पोस्ट किया था वो आपको वापस शो करना शुरू कर देगा। दोस्तों तो हम यहाँ पे इसके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। वापस जाओगे, अब 5,000 रुपये के बजाय आपको 5,100 रुपये रखना है, तो आप 5,100 रख के इस विंडो को एक्सेप्ट करोगे तो आपको जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो 5,100 रुपये शो कर देगा। इस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक की जो मैनुअल है इसकी एंट्री घटा बढ़ा सकते हैं उसी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।